बताइए। कहाँ से पढ़ा दी, कहाँ से पढ़ा दी? जीवन में पढ़ाई बहुत महत्व रखती है। दिमाग तेज चलेगा, मत चल, बंद कर ले, मेरा क्या जा रहा हूँ। रेडी? मैंने अच्छा ग्राफ चालू ही करे थे, थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसमें ध्यान सुनते हैं। अपन ने बोला था कि भाई साहब ग्राफ जो है क्या चीज, पहली बात एक्सटी बी टी ए टी मैक्सिमम अपने ग्राफ होते हैं, कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए? बी टी, क्योंकि सारी चीज देता है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। मेरा से लास्ट बार में एक्सेलरेशन कांस्टेंट के दो तीन ग्राफ बनाए, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले, कौन से मोशन अंडर ग्रेविटी वाले ग्राफ बनवाए मैंने आपको। कुछ बात लॉजिकली समझते हैं। अगर बात नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा कर, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा? कॉन्स्टेंट। बोलो क्लियर है? और एक्सेलरेशन टाइम कर्व? ऐसे टाइम कर्व, मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अपने को क्लैरिटी रहे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है साहब, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसे पैराबोला है, क्या वेलोसिटी कुछ इस प्रकार की होगी? अरे नहीं आया। और क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? कोई दिक्कत? बहुत छोटी सी बात है, चाहो तो उतारो, चाहो तो मत उतारो, भले हालांकि बेसिक सी बात है। मान लो आप एक्चुअली एक्सेलरेशन कांस्टेंट में ऐसा ही होता है, मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा? क्या वेलोसिटी ऐसे नीचे जाती हुई? अरे नहीं आया। ढुलता हुआ पैराबोला मतलब ऐसे, बेसिकली इससे ऐसे होगा, ढुलता हुआ पैराबोला तो ऐसे, पानी भरता हुआ पैराबोला तो ऐसे, अरे नहीं आया। और ऐसे एक्सेलरेशन टाइम कर्व अगर देखें तो इस तरह, क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? एक्चुअली क्या, जैसे ही ग्राफ आए ना, आपको ग्राफ बनाने की क्लियर, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका कोई कर्व है, ऐसे वेलोसिटी टाइम कर्व, क्या है? वेलोसिटी टाइम कर्व, मान लो ऐसा है। बोलो क्लियर? अब इसका अप्रोक्सीमेटली डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा? अब तो इन बातों को ध्यान में रखते अंदाजे से बना सकता है। सब लोग बोलेंगे क्या पहले वेलोसिटी ऐसी है, क्या ऐसे का मतलब वैसे, क्या पानी भरता हुआ पैराबोला, फिर तो फिर क्या स्ट्रेट लाइन, फिर क्या पानी ढुलता हुआ, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब वैल्यूज अपन डाल लेंगे वो एक अलग बात है, वैल्यूज अपन डाल लेंगे वो एक, मुझे लगा ही तुम्हें आया, आया नहीं आया, सिंपल। इस तरीके से अपने कहानी समझ में आनी चाहिए, आया कि नहीं आया, तो पिक्चर एकदम क्लियर है? ये उतार ले थोड़ा सा, फिर मैं जैसे एक आध सवाल और करता हूं, प्रैक्टिस में आ जाएगा। हाँ भाई ठीक है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, जल्दी उतार ले, थोड़ा सा दिमाग में सेट होना चाहिए। तो आगे बढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, बी टी, क्या ग्राफ समझ में आ रहा है? Yes, मैं आपको एक सवाल देता हूं, आइए सब लोग सही करेंगे। मान लो कि ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, ये 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 BT। बोलो क्लियर? जैसे मैंने इसमें सब कुछ मेंशन करा है, वैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाओ और एक्सेलरेशन टाइम कर्व बनाओ। तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत। आइए, नहीं आया? पहले तो क्या पार्टिकल ने पलटी मारी? आपको रीड करना आना चाहिए तभी फील कर पाओगे क्या पार्टिकल ने पलटी मारी। 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 पे कम मारी?
पहले देखो, ये 2 × 2 × 10, हाफ 2 × 2 × 10, क्या ये एरिया 10 मीटर स्क्वायर? ये भी कितना, मतलब 10 एरिया, ये भी कितना 10, अरे नहीं आया, ये भी कितना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब तुम ध्यान देखो तो क्या यहां से लेकर यहां तक क्या 20 मीटर की दूरी तक अपन इधर चले और क्या फिर वापस इधर आए? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पहली बात ये बताओ 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आप 20 मीटर तक गए फिर 10 तक वापस आ गए, बोलो यस और नो, क्या हुआ यही है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है 10, यानी कि क्या हुआ, क्या ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया इज डिस्प्लेसमेंट? ऊपर वाला एरिया माइनस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 30। तो क्या ये वेलोसिटी टाइम करके हमें सब कुछ दे देता है? वेलोसिटी तो देता ही है, क्या स्लोप एक्सेलरेशन भी दे देता है, क्या एरिया डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है और डिस्टेंस भी दे देता है? ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया इज डिस्प्लेसमेंट एंड ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया इज डिस्टेंस। क्या मुझसे तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया गया, हम जानते हैं ऐसा, अगर वेलोसिटी तो क्या स्ट्रेट लाइन, क्या पैराबोला होगा पानी भरता हुआ? पैराबोला होगा पानी भरता हुआ, पैराबोला होगा, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, लो भाई साहब पानी भर दिया, पैराबोला आ गया। ये अपने 2 सेकंड तक बात और अपन दूरी चल चुके थे 10 मीटर, कितनी चल चुके 10 मीटर, बहुत बढ़िया शाबाश। उसके बाद क्या ये अपने ढुलता हुआ पैराबोला? कैसा ढुलता हुआ पैराबोला? ये ध्यान से देखना, ये कितना 4 सेकंड, ये कितना 6 सेकंड, ध्यान से देख क्योंकि आप वापस 6 सेकंड पे वहीं आ गए हो और ये आपकी दूरी है 20 मीटर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। दैट इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ, दैट इज हाउ यू ड्रॉ द, बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं ग्राफ के बारे में अभी, 10 मीटर 20 मीटर। अच्छा एक चीज और बताओ, ऐसा सवाल एक और कर रहा हूं या क्लैरिटी है? अच्छा एक चीज बताओ, इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर की बजाय डिस्टेंस टाइम कर पूछता तो सोच के देखो क्या डिस्टेंस यहां तक सेम है? डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कर्व करना करने का सिंपल तरीका, जहां पलटी मार रहे हो वहां पे मिरर इमेज बना लो। ये कौन सा कर्व है? डिस्टेंस। कौन सा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, कौन सा कर्व है? डिस्टेंस। आप बोलो तो मैं 2-4 और करा दूं। और एक्सेलरेशन टाइम कर तो आसान है, देखो क्या एक्सेलरेशन 2 सेकंड तक, बिल्कुल 2 सेकंड तक कितना है स्लोप ऑफ द कर्व? 10 थीटा बराबर 10/2, 5, कितना 5 कांस्टेंट, कोई भ्राई वाली बात। उसके बाद क्या माइनस 5, 2 से लेकर 6 तक माइनस 5, नहीं आया, रहा नहीं आया, सोच लो पक्की बात। आप बोलो तो ऐसा 2-3 और कराऊं या काम चल जाएगा? ठीक है थोड़ा सा अच्छा करते हैं ठीक ठाक सा। देखिए मान लो कि एक्सेलरेशन टाइम कर्व है क्या है, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 ले लो और ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t=0 पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, बोलो क्लियर है? अब आपसे पूछा इस 4 सेकंड के दौरान पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी और कितनी होगी? सवाल समझे अच्छे से कि कौन सा कर्व है? AT कर्व। और पूछा फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकंड एंड द टाइम व्हेन इट इज मैक्सिमम। कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल है। इधर देख, पहला था क्या 2 सेकंड मीटर 2 सेकंड तक रफ्तार बड़ी घटी और 2 से 4 अब एक्सेलरेशन घट रहा है। अरे था 2 से 4 2 तक रफ्तार बढ़ी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था रफ्तार बढ़ी, कोई बुराई? 2 से 4 बड़ी घटी, बड़ी घटी, अब एक्सेलरेशन घट रहा है।
भले एक्सेलरेशन घट रहा है पर है तो पॉजिटिव। तो रफ्तार के बढ़ने की रफ्तार घट रही है पर रफ्तार तो बढ़ रही है। तो क्या मैक्सिमम रफ्तार 4 पे ही होगी? बेवकूफ, ऐसा जेई में आया था सवाल, ऐसा सवाल जेई में आया था, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो मैक्सिमम रफ्तार कब होगी? क्योंकि इनिशियल रफ्तार भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो मैक्सिमम रफ्तार कब होगी? 4। पहले तो क्या सबको क्लियर है? बस अब तो सवाल खत्म। एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या देता है, एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। अरे यार, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ एरिया क्या देता है? ये अपना 4 × 2 = 8, ये अपना 4 × 2 = 4। बोलो क्लियर है क्या? एरिया हो गया 12, तो v फाइनल -2 = 12। मेरे हिसाब से v फाइनल इज 14, मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया। खेला खत्म। एक और जेई का अच्छा सवाल कराता हूं, देखिए उन्होंने क्या करा। उन्होंने बोला कि आपने एक बॉल छोड़ी, क्या छोड़ी? बॉल डी हाइट से, कितनी हाइट से? कहां से? डी हाइट से आपने एक बॉल छोड़ी और इस जगह को अपन ने ओरिजिन मान लिया और कोई भी जनरल हाइट को अपन ने एच मान लिया। बोलो क्लियर। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ढंग से। बॉल टप्पा खाई और वापस ऊपर गई D/2 तक, कहां तक? मुझे लगा ही तुम्हें आया। यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर V और H का ग्राफ बनाए। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। सवाल फिर से सुने। एक पार्टिकल को D हाइट से छोड़ा, कहां से? क्या ग्राउंड पे टकराई? और टकरा के कितनी हाइट पे गई? क्या कम पे जाती है? या आप कोफिशिएंट और रेस्ट्रिक्शन पढ़ोगे अभी, मान लो। अरे हाँ ना बोल। तो यहां से लेकर यहां तक की जर्नी का आप किसका ग्राफ बनाओ? वी और एच का। और एच क्या आपको समझ आ रहा है? तुम्हें सवाल समझ नहीं आया? ये जेई का ही सवाल है। 4 ऑप्शन थे ग्राफ में, ग्राफ के। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको। वी एच, वी इज द वेलोसिटी एंड एच इज द हाइट। एच कोई जनरल हाइट है, हाई है। किसी भी हाइट एच पर ये कितना गिर चुका है? डी माइनस एच कितना गिर चुका है? उस समय इसकी रफ्तार क्या होगी? वी स्क्वायर माइनस 0² / 2 जी डी माइनस एच। अरे तुम्हें नहीं आया, ये क्या लिखा बोलो चमका? ये सब कुछ नीचे ले गया मैग्नीट्यूड वाइज। अरे यार, अब ध्यान दें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2GD - 2GH। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। किसकी इक्वेशन है? पानी भरता हुआ, ढुलता हुआ, भरता हुआ। अच्छा, ये नीचे की तरफ है, किधर है? किधर की तरफ है? अरे तो मैं नहीं आया। ग्राफ को समझना अच्छे से, देखना इधर। ये वी और एच, देखना गलती नहीं करूं। जब शुरू हुए तो एच कितना था? डी, मतलब ग्राफ। और रफ्तार क्या थी जब शुरू हुए तो? एच क्या था और रफ्तार क्या थी? तो एच था डी और रफ्तार थी 0। परफेक्ट। यार नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, जब एच है 0 तो रफ्तार है √2 GD नीचे। अरे यार कहां नीचे? तो देख यहां कहीं, ग्राफ इज लाइक दिस। पैराबोलिक रिलेशन लेते हुए तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। अब जैसे ही टकराए, जैसे ही रफ्तार क्या पलटी मार ली? रफ्तार पलटी मार ली, पर क्योंकि वो D/2 तक हाइट तक गई, इसका मतलब रफ्तार उतनी थी कि कम हो गई। तो यहां कहीं आ गए। अरे हाँ ना बोल। और फिर गए कहां तक?
तुम्हें दूर दूर तक, ऐसे चार ग्राफ बनाए थे उसने ऑप्शंस में, तो चार ग्राफ देख के तो समझ आ जाता है उन्होंने क्या करा था। ग्राफ से उन्होंने चार ऑप्शन बनाए थे, दो में ऐसे ऊपर बना लिया था, दो में ऐसे, तो जाहिर सी बात है दो तो वैसे रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि एक बार ऊपर होगा तो एक बार। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। प्राण प्रखेरु, क्या बिल्कुल लल्लू लल्लू ही कराने? मैंने कोई गड़बड़ करी क्या? नहीं सब सही है। हाँ बोला क्या हुआ बेटा? मैंने वी को नीचे नेगेटिव माना है, टकरा तो नीचे रहा है ना, जैसे दो रूट आएंगे ना प्लस और माइनस, तो अपन कौन सा कंसीडर करें? नेगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि अपन ने नीचे लिया, उन्होंने शायद सवाल में ऊपर माना हो तो ऊपर ले लो, आएगी तो नेचर या तो ऐसे ऐसे आएगा या फिर ऐसे ऐसे। अरे भाई हमने वेलोसिटी किधर नेगेटिव मानी है? नीचे। बोलो क्लियर? नीचे नेगेटिव मानी है, तभी तो नीचे लाया। क्या बिल्कुल लल्लू लल्लू ही कराने? क्या चमका? और ठीक ठाक से करते आइए आइए। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये वेलोसिटी और एक्स का कर्व है। एक मिनट पहले बताओ, क्या मुझे तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है? एक्स टी वी टी और एटी ग्राफ बताऊं तो, एक्स टी वी टी और एटी ग्राफ बताओ तो, उनमें इंटर कन्वर्जन में कोई खास दिक्कत? मैं दो तीन चार लेसन करा रहा हूं दूसरे टाइप की वैरायटी के ग्राफ्स। कौन से? क्योंकि जनरली बच्चा उनसे एक्वेंटेड नहीं होता, उनसे एक्वेंटेड फिर भी समझो वो है मैथ्स। सोचो ये रिलेशन लिखने के बाद ड्रॉ करना क्या है? मैथ्स। ये रिलेशन लिखने के बाद ड्रॉ करना क्या चीज है? मैथ्स। या अभी मैथ्स की काबिलियत है टू ड्रॉ ग्राफ्स, है ना? चलिए आइए। खैर मान लीजिए वेलोसिटी और एक्स का एक रिलेशन दे दिया गया, ऐसे देखिए आप सब लोग, मान लीजिए ये दूरी है 10 मीटर, कितनी? 10 मीटर। और ये अपनी वी के लिए दे रखी है सपोज अजमटी हो 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर? फाइंड एक्सलरेशन व्हेन एक्स बराबर 3 मीटर। तुम्हें सवाल नहीं समझ आया? आ गया क्या? ये तो कर्व है वी एक्स कर्व, वी टी कर्व नहीं है ये। कौन सा कर्व है? वी एक्स कर्व। एक्स बराबर 3 मीटर पे क्या एक्सेलरेशन होगा? चलो मैं अच्छे से सवाल ही करा रहा हूं, समझना। ए बराबर क्या होता है? बी डी वी बाई डी एक्स। अरे क्या होता है? सिंपल, तू ध्यान दे, इसमें डी वी बाई डी एक्स तो स्लोप है, डी वी बाई डी एक्स तो स्लोप कितना है? माइनस हाफ। अरे कितना है? कितना है? तो ये वैल्यू तो फिक्स है, तो चेंज हो रही है। अरे वैल्यू तो चेंज, अभी निकाल लू ना 3 मीटर पे। अरे यार सिंपल, मतलब रिलेशन लिखने की जरूरत आसानी से आ जाएगा सवाल। अरे यार भाई एक लंबा प्रोसीजर तो क्या है? अपन ए और एक्स की, बी और एक्स की स्ट्रेट लाइन लिखे, फिर वी और एक्स रिलेशन आ जाए, क्या उससे ए और एक्स रिलेशन निकाले? अरे पर उससे छोटे से हो जाएगा। ए बराबर वी डी वी बाई डी वी बाई डी एक्स तो फिक्स है ना, डी वी बाई डी एक्स तो फिक्स। क्या आप वी एट 3 मीटर निकाल सकते हो? इसी जगह ज्योमेट्री, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो क्या वैल्यू निकालना कोई खास बात? देख कैसे निकालेंगे, बोल क्या? सिमेट्रिक एंगल से निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल लो। क्या स्लोप अपने को पता है? Yes, अरे स्लोप पता है ना, टेन थीटा इक्वल टू हाँ। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो ये 3 है तो ये 1.5 होगा। अरे 3 है तो ये, तो ये 3.5 होगा। अरे हाँ, अबे हाफ है ना स्लोप। लॉजिकली कर सकते हैं कि अगर ये 3 है तो ये 1.5 होगा, तो ये 3.5 बचा। कितना बचा? तो मेरे हिसाब से 3 मीटर पे की रफ्तार 3.5 मीटर पर सेकेंड है। बस तो रख दो आंसर, 3.5 × -0.5 -7/4 -7/4 नहीं आया, -7/4 m/s² इसको ऐसे करेक्ट आंसर। देखा आप अच्छी चीज सीखे। ये सवाल आ सकते हैं कि v और x का कर्व दे दिया, किसका दे दिया? v और x का। अच्छे सवाल करा रहा हूं, क्या मैं ज्यादा डरा रहा हूं? no.
सर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, ग्राफ का वो भी चला गया। अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा कराऊं कि बिल्कुल निम्न स्तर? आइए मान लीजिए ई और एक्स कर्व है। क्या है? सपोज ई और एक्स कर्व है, पहले एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहा फिर घटा, 2 मीटर तक वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहा। एक्स इक्वल टू जीरो पे रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है और ये 4 मीटर है। बोलो क्लियर? 4 मीटर पे ऐसा हुआ, ठीक है। आपसे पूछा गया स्पीड एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर। एक्स कर वे है, उल्टा कर लिया बेसिकली इसका। आइए बढ़िया तरीका बताता हूं, कई लोग लंबे तरीके से जा रहे हैं, उसमें पूरा एक पेज का सॉल्यूशन करेंगे तब वो आंसर आएगा जो एक लाइन में आएगा। सुने मैंने सवाल, सोच समझ के कराया कि मैं आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं। ध्यान सुनना अच्छे से। एक्सेलरेशन बराबर वीडीवी बाई डीएक्स, तो वीडीवी बाई डीएक्स बराबर ए, तो वीडीवी बराबर ए डीएक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। क्या दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, दिस इज एरिया अंडर ए एक्स कर्व। अरे हाँ ना बोल, एरिया अंडर ए एक्स कर्व, हालांकि रटने वाली चीज नहीं है बट इट्स ए गुड कॉन्सेप्ट। अरे भाई एरिया अंडर ए एक्स कर्व, आप जो नॉर्मल बच्चे हो क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक का निकालेंगे फिर यहां से यहां तक का निकालेंगे, एक पेज से कम सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वन लाइन है देख, एरिया अंडर यार, एरिया अंडर एक्स कर्व क्या दे रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। क्या अपने को यू पता है? Yes, क्या एरिया पता है? Yes, एरिया पता है भाई, 4 × 2 = 8 और क्या है 4? Yes, क्या एरिया 12? Yes, तो वी स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 12, 12 × 2 = 24, 24 + 4 = 28, बी इक्वल टू √28, खत्म। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और से सवाल अच्छा नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट अच्छा है? Yes, तो तुम्हारे प्राण निकल गए भाई। Yes, सीखे कि नहीं सीखे? Yes, पक्की बात? Yes, ट्रेडिशनल सवालों से हटके थोड़े सवाल हैं, वही तो पूछे जाएंगे। Yes, चला रहा। Yes, आया नहीं आया? Yes, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बट वी विल डू इट बाय प्रैक्टिस, है ना। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन थोड़ी देर पढ़ाऊंगा, देन आई विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल। क्या चीज? प्रोजेक्टाइल पे अपन धीरे धीरे आ जाएंगे। ग्राफ वाले जितने भी सेक्शन है सबका डालो, ग्राफ का सेक्शन अलग है इसमें। Yes, हालांकि मैं आपको दो दो ग्राफ वाले करा सकता हूँ, बट प्रैक्टिस हो जाएंगे, डोंट वरी। पहले तो ये समझ आया? Yes, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ATVT से हटकर थोड़े ग्राफ है। बोलो क्लियर है? Yes, है ना। और आप ग्राफ वाला सारा सेगमेंट कर लो, ABC, एक्सरसाइज 1, 2, 3 में जो भी ग्राफ वाला सेगमेंट है कर लो,